के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां बढ़ते कोविड को लेकर सीएम योगी की बैठक, गठित उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ समीक्षा। सीएम योगी ने दिए जरूरी निर्देश। सीएम ने कहा कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ाए, साथ ही फेस मास्क के लिए लोगों को जागरूक करें, हर पॉजिटिव केस की कराए जीनोम सिक्वेंसी, सभी अस्पतालों में समुचित सुविधा उपलब्ध कराए, साथ ही कोविड टेस्टिंग और टीकों की प्रिकॉशन डोज को बढ़ाने का भी उन्होंने निर्देश दिया। और घबराने को नहीं, सतर्कता और सावधानी बरतने की लोगों से अपील की। बता दें फिलहाल उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में एक भी नया मरीज नहीं मिला है, मगर फिर भी योगी सरकार जो है सतर्कता के साथ अलर्ट मोड पर काम कर रही है। आपको बता दें कि अलग अलग देशों में एक सप्ताह से कोविड के नए केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति जो है अभी सामान्य है। बात करें दिसंबर महीने की तो प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी दर 0.0 रही। वर्तमान में कुल एक्टिव केस संख्या 62 है और उसके पहले केसेस ज्यादा ना बढ़े, इसलिए आज समीक्षा बैठक की गई है ताकि पहले से ही जो भी जरूरी प्रिकॉशंस है वो लिए जाए। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कोविड से बचाव के लिए, इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, कोविड लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, बात करें चाइना जैसे देशों की, तो कोविड की स्थिति वहां पर देखी जा सकती है और उसे देखते हुए भारत अभी से अलर्ट हो गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो आज सीएम द्वारा समीक्षा बैठक ली गई है, कोविड को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है? कोविड के मामले ने एक बार फिर से चिंता का विषय बना हुआ है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में तमाम निर्देश जारी किए हैं ताकि जो कोविड से है उससे बचाव किया जा सके। आपने देखा होगा कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले जब इससे पहले की अगर बात करें, फर्स्ट सेमिनार की बात करें, तो उस टाइम भी टीम 9 की बैठक में तमाम तरीके के निर्देश दिए गए थे, तमाम तरीके के जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन करने के लिए थे। जिस तरीके से जो अभी जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन BF7 उसने चिंता बढ़ा दी, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की और साथ ही तमाम तरीके के कोविड प्रोटोकॉल को लेकर निर्देश जारी किए। साथ ही आपको ये भी बताते, भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क के लिए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको जरूरत के हिसाब से उसको देखते हुए निर्देश दिए हैं कि उसे अनिवार्य किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री का निर्देश जो नया वेरिएंट है उस पर नजर रखी जाए, साथ ही जो पॉजिटिव केस है उस पर भी नजर बनाई जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश में विगत अगर 24 घंटे की बात करें तो अभी किसी तरीके कोई नया मरीज नहीं मिला है, लेकिन जो नया वेरिएंट है BF7 वो भारत में 3 मामले इसके सक्रिय हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार जो है तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे CHC की बात करें, PHC की बात करें, वहां पर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन आज टीम 9 की बैठक में तमाम तरीके के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। जी, अगर बात करें हम स्वास्थ्य विभाग की तो हमने देखा था पहली और दूसरी लहर में कैसे जो है बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, अब स्वास्थ्य विभाग कितना एक्टिव है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी बैठक में साफ कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं बल्कि सतर्कता और सावधानी रखने की जरूरत है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम तरीके के वो निर्देश दिए हैं ताकि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर गैदरिंग कम की जा सके, साथ ही जो है लोग फेस मास्क का इस्तेमाल करें। तो वह कह सकते हैं कि जो थर्ड फेज है इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही बैठक में तमाम तरीके के जो स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया और साथ ही तमाम जो तरीके के निर्देश हैं कोविड प्रोटोकॉल को लेकर वो निर्देश जारी किए हैं ताकि जो है पहले से ही बचाव किया जा सके। हालांकि आपने देखा होगा कि भारत में ये 3 नए मामले हैं जो अन्य प्रदेशों में है। अभी उत्तर प्रदेश में जो अगर बात की जाए जो नया वेरिएंट है कोरोना का ओमिक्रॉन BF7 वो अभी उत्तर प्रदेश में ऐसे उस तरीके के कोई मामले नहीं, लेकिन भारत में जिस तरीके से 3 मामले जो सामने निकल कर आए तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और सभी को सतर्कता रखने की जरूरत है। तो उसी के निर्देश आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 में दिया है।
जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको लखनऊ से बताई, जहां कोविड को लेकर पहले ही सरकार अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोविड 19 को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए।